हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया के स्टडी वीजे के बारे है, जिन्होंने साउथ कोरिया के हूँ जिमें कि नैक्सट अनटेक ओपन हो गया, नैक्सट अनटेक के अपलाई करना है जा की है। इस टाइम पिछली बार सारा जो अनटेक अपलाई होया, कुछ स्टूडेंट ने कहा कि तुम नैक्सट अनटेक अपलाई करो क्योंकि उन्होंने जी सीट है वह फुल हो गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 15 अगस्त तो बाद इसका जो पोर्टल ओपन होगा। दूजी चीज़ ये है कि साउथ कोरिया दे विच मैं दसना चाहवा भी किसी भी तरह का कोई पोर्टल नहीं होंदा। मैं पोर्टल शब्द कह रहा क्योंकि इतने कई कहणगे जी कमेंट करके जी तुसीं पोर्टल कह रहे हो, इस करके मैं कमेंट ही ऑफ कर रखे है। जिन्हों लगता है कि इनफॉर्मेशन लैनी है डायरैक्ट कॉल करो, साढ़े को इस शरारती या किसी बंदे पास कोई नहीं कुछ कह सकते है ना इन चीज़ों। सो जो तुम्हें लगता सही है ठीक है, नहीं थोड़ी मर्जी है, मैं थोड़े लिए वीडियो बना लिया। हूँ 15 अगस्त तो बाद बहुत यूनीवर्सिटियों के अपलाई कर सकते, बट कुछ यूनीवर्सिटियों के इस टाइम तुम अपलाई कर सकते। हूँ अनटेक कहड़ा मिलेगा, सो उन्होंने अनटेक मिलेगा दसंबर, जिमें हम अगस्त चल रहे हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਅਨਟੇਕ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ कि तुसी अपनियां ITR नूं फिल करवाओ, तुसी अपना MSME दे डाकूमेंट बनवाओ, नहीं बनिया बनवाओ, अपने जे फार्म बनवाओ, जिन्ने हो सकते अपने आप जिहड़े इनकम प्रूफ ने वो कट्ठे करो। जे इनकम प्रूफ तुहाडे वधिया नहीं है कि अकैडमिक स्कोर चंगे ने, तुहाडा एडमिशन लैटर यूनीवर्सिटी वल्लों नहीं आऊगा। सो इनकम प्रूफ ते जिन्ना जोर ला सकते हो लाओ। हुण जिहड़े स्टूडेंट साडे नाल संपर्क करनगे, सर इनकम प्रूफ किवें बनणगे, किवें बना सकते हैं, असीं स्टूडेंट नूं किसे भी स्टूडेंट नूं कोई भी इनफॉर्मेशन नहीं देवांगे जे वह केस साडे कोल रजिस्टर्ड नहीं होया, क्योंकि सानूं किसे दा कोई लालच नहीं। मैं नहीं कहिंदा मेरे तों फाइल लवाओ, जिथों मर्जी फाइल लवाओ कोई दिक्कत नहीं, जिथों मर्जी लवाओ आप लाओ। असीं फ्री दी इनफॉर्मेशन देण वास्ते इत्थे नहीं बैठे, ना असीं कोई फ्री दी इनफॉर्मेशन देईए। मैं वीडियो विच तां कह रहा हैं क्योंकि ये गल्लां बड़े कैंडीडेट कहते हैं जी भी तुसी सानू आ दसो जी तुसी इत्थे फलाना ना, ये चीज़ां मैनू नहीं चंगी लगदियां। सो जे तुहानू लगता तो करवाओ, नहीं लगता तो बेशक ना करवाओ, क्योंकि जिहड़ी मैं चीज़ कहना है बिल्कुल मूँह ते कहना है, वीडियो च कहना है, कॉल ते भी उही कहना, मिल के भी आही गल कहांगे। ठीक है, हुण फंड दे विच जिन्होंने शो करवाउणा है कहिंदे जी असीं फंड शो करवा लिया, जिन्हों ने फंड शो करवाया हूँ जिम्मे कैंडीडेट कह दें जी अभी फंड शो करवाया, हूँ फंड शो करवाने वाले दसूँगा कि उन्होंने वास्ते उन्हों का अकाउंट नवा ओपन होगा। फंड जो शो करवाओगे कदे भी वह नवा अकाउंट ओपन होगा, नवा अकाउंट थोड़ा नहीं चलूगा, क्योंकि साउथ कोरिया के लिए वो फंड जरूर नवा मंगते हैं, फंड नवा चल जाता है पर स्टेटमेंट 6 महीने की पुरानी हुई होनी जरूरी है। सो जे तुसीं साडे तों जां किसी होर एजेंट तो नवा फंड शो करवाओगे, नवा स्टेटमेंट होगी, थोड़ा एडमिशन नहीं होना, पैसे लगे जीरो है। ठीक है, गल्लां दा तुसीं ध्यान नहीं देना पर मैं दसना जरूरी है। ठीक है, कमेंट करो तुसीं हटना नहीं, मैं ऑफ कर रखे है। दूजी चीज ये है कि किसी भी तरह की कोई आईलैट्स, किसी भी तरह की कोई PT या TOEFL या फलाना कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। हुण इसका रीजन की है, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि साउथ कोरिया दे विच तुसी जिहड़ी स्टडी करनी है वह कोरियन लैंग्वेज दे विच करनी है, कोरियन लैंग्वेज दे विच इंग्लिश का कोई तालुकात नहीं। सो इंग्लिश तुहानू किसी भी तरह की कोई भी नहीं चाहिए,
जो थोड़े को आईलैट्स हैगी है या पीटी हैगी है उसकी जरूरत नहीं हैगी, पर फिर भी जो तुम ला दोगे तो कोई नुकसान नहीं, पर सानू वो चीज़ नहीं चाहिए। हुण एक मैं तुहानू गल दसा जी जरूरी वीडियो छड के ना जाओ तुम छी जाने वीडियो ना दसो, बहुत जरूरी इंपोर्टेंट चीज़ मैं तुहानू दसनी भुल गया। इसे गल करके मैं एक टॉपिक बनाया छोटा जा, एक आप जो केस अपलाई करते हैं एक होंगी है डायरैक्ट एप्लीकेशन, तुम किसी यूनीवर्सिटी के डायरैक्ट अपलाई करता, पर दो तरह की एप्लीकेशन होंगी है, एक होंगी है डायरैक्ट एप्लीकेशन एक होंगी है कोरियर एप्लीकेशन। दोनों में की डिफरेंस है तुम मैं दस दें इस बारे, जिमें थोड़े अकैडमिक डाकूमेंट ने अपने अकैडमिक डाकूमेंट को पोस्टल करवा लेने हैं दसवीं का बारहवीं का जां जिन्ना भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट है इन सारे पोस्टल करवा के आप उस तो बाद अपलाई कर दें। अपलाई कर तो बाद आप लगता चलो जी रिवर्ट आ जूगा जो भी सिस्टम है, पर दूजी ऑप्शन यह है कि अपने ओरिजिनल डाकूमेंट का कलर प्रिंट करवाओ उसनू अपोस्टल करवाओ एंड अपोस्टल करवा के उस डाकूमेंट नू भी कोरियर दे नाल यूनिवर्सिटी नू कोरियर करो। एक होंगी है ईमेल थ्रू एक होंगी है मेल थ्रू, ईमेल करना सो उन्होंने तुम कोरियर करना, कोरियर करवा के अपना प्रोसैस स्टार्ट करवा सकते हो। दो तरह की एप्लीकेशन होगी। दूसरी चीज ये है कुछ यूनिवर्सिटियां दे विच साउथ कोरिया दे विच एप्लीकेशन फीस ऑफर लैटर की फीस नहीं होती, कुछ यूनिवर्सिटियां दे विच 2% यूनिवर्सिटियां दे विच ऑफर लैटर की फीस 5000 रुपया आती है, 1% यूनिवर्सिटी के 100 के इंटरव्यू ले सकते हैं यूनिवर्सिटी वाले, जिसके अपनी सिर्फ एक वीडियो इंटरव्यू बना के उन्होंने 1 मिनट की वीडियो लैंडस्केप के उन्होंने सेंड करनी है। इस दे नाल मैं तुहानू दसूंगा स्काइप इंटरव्यू थोड़ी आ सकती है, पर वो D2 वीजे के लिए आती है, D4 वीजे के लिए किसी भी तरह की कोई भी इंटरव्यू नहीं आती। हुण कैंडीडेट्स नूं डाउट होगा मैं D4 वीजा अपलाई करना की रिक्वायरमेंट है, थोड़े 50% ने थोड़े 48% ने थोड़े 52% ने, तुसीं अपलाई कर सकते हो साउथ कोरिया का, थोड़ा जिन्ना मर्जी गैप है अपलाई कर सकते हो, पर शर्त यह है जिहड़ा गैप है उस गैप नूं फिल करा के दो, जे गैप नूं फिल ना करोगे थोड़े वीजे के चांस घट सकते हैं, लगूगा कि इंडिया के बच्चे वेले रहे ने इन्होंने कुछ नहीं किया इन्होंने उत्थे जाके भी की करनगे, सो अपने गैप नूं फिल करवाओ। हुण तुसीं कहोगे तुसीं फिल करा दो असीं कोई फेक काम नहीं करते, कोशिश करांगे पर अपना काम आप करो, किसी लैटर पैड से वधिया लैटर पैड किसी नाल गल करके नॉर्मल कोई सैलरी स्लिपां नहीं चाहीदियां, ITR भरवा लो अपनियां बैंक बैलेंस 3 लाख रुपया दिखा दो, अपने फादर का इनकम प्रूफ लाना है मदर का इनकम प्रूफ लाना है अपना लाना है। इस दे नाल साउथ कोरिया में जान सार ना को मैं वर्क परमिट अपलाई करना है, मैं जीवन कार्ड अपलाई करना है, दैन थोड़ा वीजा नहीं आऊगा, क्योंकि उत्ते जाके इंडियन स्टूडेंट हटते नहीं वर्क करने, 6 महीने पहले 6 महीने वर्क नहीं कर सकते साउथ कोरिया दे विच, अगले 6 महीने कर सकते हो, पहले 3 महीने तुम ARC कार्ड एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं बना सकते, 45 दिन तो लैके 2 महीने बाद एक सेमेस्टर होंगे 3 महीने का, एक सेमेस्टर तो बाद ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ARC ਕਾਰਡ ਏਲੀਅਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, पर अपनी प्रोफाइल नूं इन्ना सोहना बनाउणा है कि वीजा ऑफिसर देख के कहे यार वाकई बंदा इंटैलीजेंट है पढ़न वाला है, कि कई कैंडीडेट कहिंदे सी कवरिंग लैटर नहीं बनाया, साउथ कोरिया विच कवरिंग लैटर एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, किसी भी तरह की कोई डमी टिकट किसी भी तरह का कोई हैल्थ इंश्योरेंस नहीं लगता, हैल्थ इंश्योरेंस थोड़ा उत्थे जाके होगा 6 महीने का, जिहदी फीस इत्थे जाके ही पऊगी नियर अबाउट 5-6 हज़ार रुपया हुंदा है। मेरे चैनल में सबसक्राइब करना ना भुल्यो, वीडियो में शेयर करना भी ना भुल्यो, जे तुहानू चंगी लगी इसनू लाइक करो, जे चंगी ना लगी इसनू डिसलाइक जरूर कर दिओ, कमेंट मैं ऑफ कीते ने, जे वाकई फिर भी दिल करता कोई कमेंट करन दा डायरैक्ट मेरा नंबर दिता है डायरैक्ट व्हाट्सएप ते मैसेज कर दिओ, जो भी गल है डायरैक्ट गल कर लिओ, एवें
पिट पिछे किसी तरह का किसी कुछ ना कहो, जो डायरैक्ट करना डायरैक्ट करो, ठीक है। सो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा वीडियो।